नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आज रेड क्रॉस सोसाइटी के नेतृत्व में मास्क वितरण व प्रशासन द्वारा जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों द्वारा जिनके पास मास्क नहीं था उनको मास्क का वितरण किया गया और यह अभियान कलेक्ट्रेट से शुरू होकर पूरे जिले में चलाया गया। मास्क न लगाकर चलने वाले वाहन सवारों और दुकानदारों पर चलान के माध्यम से कार्रवाई की गई और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की हिदायत दी गई। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार प्रभारी, निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता सहित भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने बताया कि अभियान लगातार जिले में चलता रहेगा। सुनवाते हैं सुधीर जायसवाल, पुलिस अधीक्षक यातायात, और गौरव कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की बातों को। रोकने के लिए जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, यहाँ वहाँ थूकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज भी जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, 15 दिन की चालान की, और जो गरीब लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए उनको मास्क भी रेड क्रॉस की ओर से और पुलिस प्रशासन सहयोग से बांटा जा रहा है। तो इसमें आज का जो अभियान है उसका उद्देश्य है जो लोग जानबूझ कर लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान करना, और जो अच्छा वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनको भी मास्क उपलब्ध कराना ताकि वो भी मास्क धारण करें। और ये अभियान पूरे शहर में चल रहा है, सिटी क्षेत्र चल रहा है। कितनी गाड़ियों का चालान काटा गया? एक चालान काटा जा रहा है, उसका लगभग 15-20 गाड़ियों कट चुका है चालान। नहीं, जो मास्क नहीं लगा रहे उनका भी है, जानबूझ के सक्षम है, मास्क रखे हुए हैं, और जो गरीब वर्ग है, रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको मास्क वितरण भी किया जा रहा है। देखिए, अभी नोडल ऑफिसर की विजिट हो रही है जिले में, 2 दिन से वो दौरे पर हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जो है मास्क वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो भी गरीब व्यक्ति हैं, ठेले वाले हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, उन्हें निःशुल्क मास्क बांटे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी संपन्न लोग हैं, यदि उनके द्वारा मास्क नहीं लगाया जा रहा है तो उस पर जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। तो यही कार्यक्रम है। इसी के तहत जो है क्षेत्राधिकारी महोदय हमारे साथ हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी से ये लोग हैं, तो इन सबके साथ ये अभियान चलाया जा रहा है संयुक्त रूप से। अभियान कहाँ कहाँ तक चलेगा? अभी हमने कलेक्ट्रेट चौराहे से शुरू किया है, अभी यहाँ आपके साथ बाजार में है, इसके बाद तहसील परिसर के आसपास, फिर चौक के आसपास। तो जो भी भीड़ भाड़ वाले जितने इलाके हैं वहाँ पर कवर करने का पूरा इरादा है इसमें। ये कार्यक्रम कितने दिन चलेगा सर? आज का ही अभियान है, बाकी तो रोजाना चल ही रहा है। मास्क के प्रति जो जुर्माना है वो भी चल रहा है और निःशुल्क मास्क वितरण भी चल रहा है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो कार्यक्रम है वो आज ही का अभियान है।